नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल चलो कुछ नया करें। तो आज मैं आई हूँ आप सबके लिए एक नई रेसिपी लेकर। तो बनाते हैं भरवा बैंगन। तो उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को देखने से पहले लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं रेसिपी को। तो पहले हम ले लेंगे 7 से 8 बैंगन। तो फिर मैंने बैंगन ले लिए हैं अच्छे, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा कहीं वो खराब ना हो। और इसके लिए मैंने पेस्ट बनाया है। इस पेस्ट में मैंने डाला है तेल, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। तो इसको आप मिक्स कर लीजिएगा। तो इससे पेस्ट बनाएंगे तो हम इसको अंदर इसके भर देंगे। तो मैंने इसको ऐसे काट दिया है स्लाइसिस में, तो आप जैसे देख सकते हैं इसके अंदर हम इसको भरेंगे। और हमने ले लिया है टमाटर का पेस्ट और ले लिया है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको एकदम फाइनली हमने ग्राइंड कर दिया है। इसमें साथ में प्याज भी है। और हमने लिए है कुछ कड़ी पत्ते। और तड़का देने के लिए हमने लिए है लंबे कटे हुए प्याज। और हमने लिया हींग, आप कोई भी हींग ले सकते हैं, मैंने लिया है एवरेस्ट का हींग। तो चलिए चालू करते हैं बनाना। तो हम पहले बैंगन से चालू करेंगे। तो आप अपने बैंगन लीजिए और उनका ऐसे स्लाइसेस में कट कर दीजिए जैसे मैंने किए हैं, देखिए। और अब इसको हम पेस्ट को इसके अंदर फिल कर देंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से बैंगन को ऐसे खोलिए, ज़्यादा करेंगे तो ये कट जाएगा और फिर आप इसको तल नहीं पाएंगे क्योंकि हमें इसको हल्का सा फ्राई करना है। तो इसको हम खोलेंगे और इससे ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए ऐसे अच्छी तरह से डालिएगा इसको और फिर इसके हर एक कोने में अच्छी तरह से मसाला चला जाना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कहीं ये बैंगन खराब ना हो। ऐसे ही आपको हर एक बैंगन पे करना है। तो देखिए हमने इस बैंगन में अपने मसाले की फिलिंग कर ली है। इसी को आपको हर बैंगन पे दोहराना है। तो चलिए इन सब बैंगन पे हम ऐसे ही फिलिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने ऐसे ही सारे बैंगनों में अपने मसाले भर लिए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से हल्का सा फ्राई करेंगे। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। तो देखिए हमने अपनी कढ़ाई रख दी है और वो गर्म हो गई है। तो उसके अंदर हम डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि इस तेल को डालने से हमारे खाने में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और इससे बैंगन भी बहुत अच्छी तरह से पकेगा। तो हमने तेल डाला है ताकि हम अपने बैंगनों को इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके अपना बैंगन डालते हैं। ऐसे ही सारे बैंगनों को डालकर आपको उसको 10 से 15 मिनट तक फ्राई करना है। इसको आप एक बार चला दीजिए पलटे से और कम भाग कर अच्छी तरह से पकाएंगे। तो आप इसको बीच बीच में चलाइएगा वरना फिर ये जल जाएगा। देखिए इसका कलर हल्का हल्का भूरा हो गया है। तो आप इसको हल्का सॉफ्ट होने तक इसको पकाइए। तो देखिए हमारे ऐसे ही करके धीरे धीरे करके हमारे सारे बैंगन पक गए हैं। तो अब इसको हम अपनी थाली में निकाल देंगे एक एक करके। तो अब एक एक करके हम अपनी सारी बैंगनों को निकाल लेते हैं। आप इसको टच करके देखिएगा, अगर ये सॉफ्ट हो गए तो मींस ये पक गए हैं और आधा ये आपके ग्रेवी के साथ ही पक जाएगा। चलिए अब हम अपने ग्रेवी को बनाते हैं। तो पहले हम इसमें तेल डाल लेंगे। आप 1 से 2 बड़े चम्मच डालिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने कड़ी पत्ते। जब कड़ी पत्ते हो जाए तब इसमें हम डालेंगे अपने कटे हुए प्याज। अब आप इसको अच्छी तरह से चलाइए। और इसमें डालिए 1 छोटी चम्मच हींग और अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाइए। चालू करें। तो देखिए अब हमारे प्याज से गोल्डन ब्राउन। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट और अच्छी तरह से मिक्स करिए।
तो आप देख सकते हैं अब हमारा मसाला थोड़ा पकने लग गया है, उसके अंदर हम डालेंगे अपने टमाटर की प्यूरी। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए और उसको थोड़ा पक जाने दीजिए, उसके अंदर डालेंगे मसाले। तो अब इसमें डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच नमक और एक आधा चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक चौथाई चम्मच हल्दी, अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और एक आधा चम्मच, और अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच गरम मसाला। आप चाहे तो इसमें मसाला अपने अनुसार डालें, क्योंकि हमने पहले से ही बैंगन में मसाला डाला हुआ है, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से पक जाने चाहिए, जब इसके ऊपर तेल आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि आपका मसाला पक चुका है। वैसे ही आप इसको चलाते हुए पकाइए। तो देखिए हमारी ग्रेवी में अब तेल छोड़ दिया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब इसमें हम एक एक करके अपने बैंगन डालेंगे। देखिए इसमें इतना अच्छा गोल्डन कलर आया है, बट कैमरे में आपको अच्छी तरह से नहीं दिखेगा, पर रियली इसका कलर बहुत अच्छा है। देखिए अब इसमें आप अपने बैंगन डालिए करके और उसको पकने दीजिए, ताकि इसके सारे मसाले जो आपका ग्रेवी है आपके बैंगन में अच्छी तरह से घुल जाए। वैसे ही आपके बैंगन में मसाले हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए हमने सारे बैंगन डाल लिए अपने, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको सूखा भी रख सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा आधा गिलास पानी डालूंगी, ताकि इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह से ग्रेवी हो जाए। अब इसमें हम आधी गिलास पानी डालेंगे और अच्छी तरह से पकने दीजिए 2-3 मिनट तक। आप इसको अच्छी तरह से मिलाइए और उसको धीमी धीमी आंच पर पकने दीजिए। देखिए ऐसे करके आपके बैंगन बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप इसको ढककर 2-3 मिनट तक पकने दीजिए धीमी आंच पर। तो देखिए अब इसको हम ढक देंगे और 2-3 मिनट तक इसको पकने दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सब्जी ने तेल छोड़ना बंद कर दिया है, और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। अब इसको हम अपनी एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अब अपने हम सब्जी को एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो देखिए हमने अपनी सब्जी को एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब इसको हम थोड़ी धनिया पत्ती से इसको गार्निश करेंगे। देखिए इतनी सुंदर लग रही है देखने में, और आप जब इसको बना के खाएंगे तो आपको स्वाद में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी सब्जी बहुत अच्छी लगे। तो आप अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाकर आपको मेरी हर एक नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो इसी प्रकार आप इसको अपने फ्रेंड्स और बंधुओं में भी शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और इसी और अभी के लिए अलविदा। तो मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई रेसिपीज बना के लाऊंगी, तो आप मेरे साथ YouTube पे ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद। जब बोलो तो रुकेंगे।